लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। देवेंद्र यादव जी लगातार अपने अलग अलग क्षेत्रों में महिला चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और यहां पर भी बड़ी तादाद में महिला पहुंची हैं। संजय कॉलोनी है, ये संजय नगर ट्रांसपोर्ट नगर के पास ये कॉलोनी पड़ती है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी देवेंद्र यादव को सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। देवेंद्र जी की जो भाभी हैं सविता यादव, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या मकसद है यहाँ महिलाओं के पास पहुँचने का? इनको यही बताना है कि देखो भाई साहब, आपके बारे में बहुत मतलब अच्छे विचार रखते हैं और आपकी सारी समस्याओं को पूरा करेंगे वो। मैं आपको दिखा दूं कि महिलाएं बहुत तादाद में यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि वो इस महिला चौपाल के बारे में क्या कहते हैं। हम लोग को बहुत विश्वास है, हम लोग तो हारते हैं तो भी, जीतते हैं तो भी देवेंद्र यादव को ही वोट देते हैं। अच्छा, क्या कारण है देवेंद्र यादव को महिलाएं बड़ा पसंद करती हैं? हम लोग बस यही है, हमें समाज में आते हैं, छोटा छोटा भी जग करते हैं तो उसमें भी हाजिरी लगाते हैं। देवेंद्र यादव जी हाजिरी लगाते हैं हर चीज में अपनी, आप क्या कहेंगे देवेंद्र यादव पर भरोसा क्यों कर रहे हैं आप? सब काम करते हैं, इसीलिए कोई काम में जाते हैं तो ना नहीं करते हैं। क्या आप क्या कहेंगे देवेंद्र यादव बहुत सारी चीजें बोलकर गए हैं, क्या खुश है उनकी बातों से? हाँ, लगता है काम होगा। हाँ, लगता है देवेंद्र यादव पे भरोसा करना चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। इतने दिन से जुगी मेरा रहा, बहुत अच्छा काम किए और जब से इन्होंने गए उसके बाद कोई अच्छा काम नहीं हुआ हमारे। अच्छा काम नहीं। एक माता जी है जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी थी। माता जी, देवेंद्र यादव ने बहुत सारी बातें आपके सामने की, भरोसा है देवेंद्र यादव? हम देवेंद्र के साथ हमेशा थे हूँ। जो अभी करेंगे कांग्रेस करेंगे और देवेंद्र भाई साहब करेंगे, बहुत विश्वास कर रहे हैं लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? ये औरत है, इसकी झुग्गियों में इसकी दो बेटियां जल के मर गई और ये कम से कम भी 20 बार ये औरत अजेश यादव को ये बोलने गई कि मेरे घर में आग लग गई है, मेरा सब कुछ जल गया है, मेरी दो बेटियां मर गई हैं। और आज इस बात को 8 महीने हो गए, उस विधायक ने इनको कोई मदद नहीं की। भाई देवेंद्र जी जो यहाँ के विधायक भी नहीं थे, इन्होंने इनकी मदद की। कौन सी है वो महिला हम मिलना चाहेंगे? ये महिला है, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ, देवेंद्र यादव ने कोई मदद की? हाँ, मदद करे थे। महिलाएं यहाँ पर बहुत भरोसा जता रही हैं और महिलाओं का सीधे तौर पर खुले तौर पर ही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो देवेंद्र यादव का साथ देंगी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ में डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।